वेलकम बैक गाइज टू माई अनदर व्लॉग। कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से मैं आज वॉइस ओवर कर रहा हूँ, गोप्रो का माइक रिकॉर्ड नहीं कर पाया है, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। तो आज हम तीन राइडर्स, अविनाश, अजिंक्य एंड मी, जा रहे हैं एक प्लेस कॉल्ड वागेश्वर टेम्पल, दैट्स नियर पवना लेक। तो अविनाश और अजिंक्य डायरेक्ट स्पॉट पे पहुंचेंगे और मेरा काम ये है कि वाइल गोइंग आई नीड टू टेक सर्टेन थिंग्स, बिकॉज हम कैंपिंग कर रहे हैं, टेंट लगा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आइडिया ये है कि हम खाना भी बनाएं, सो दैट एक एक्सपीरियंस रहेगा हमारे लिए। जैसे हम लद्दाख के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, कैसे हम मैनेज करेंगे ये सब चीज़ का छोटा सा एक डेमोन्स्ट्रेशन भी हो जाएगा, एक छोटा सा एक्सपीरियंस भी आ जाएगा। तो इस आइडिया के साथ आई हैव बॉट सर्टेन थिंग्स लाइक मैगी, टमेटोज, अनियंस एंड चिली एंड अदर थिंग्स। आप देख सकते हो आई एम नॉट इवन क्रॉस 15 किलोमीटर्स एंड सनसेट, सो आई एम गोइंग टू इल्यूमिनेट माय ऑक्स लाइट्स। यस, सो एज लॉन्ग एज आई हैव दीज ऑक्स लाइट्स आई एम नॉट रियली वरीड अबाउट वेदर इट्स डे और नाइट। तो गाइज ये जो आप देख रहे हो जलसा होटल, एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, ये बिफोर वागेश्वर टेम्पल यही एक लास्ट आपका रेस्टोरेंट रहेगा जहाँ पे आपको छोटी मीठी चीज़ जो होती है, जैसे कि आपको पानी हो गया, देन कुछ खाने का आइटम हो गया या बिस्किट्स हो गए, ये सब चीज़ यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद में भाई लोग कुछ नहीं मिलेगा, तो आपको जो लेना है यहाँ से आप पिकअप कर लीजिए। देन एज यूजुअल गूगल वॉज वेरी कन्फ्यूजिंग और हमने सोचा कि विल टेक अ हेल्प ऑफ लोकलाइट्स, तो इनसे पूछ के वी डिसाइडेड दैट वी विल रीच द डेस्टिनेशन। काफ़ी छोटा नैरो टाइप का रास्ता है, तो इफ यू आर कमिंग इन अ कार सो प्लीज़ बी केयरफुल बिकॉज छोटा है, सिंगल रास्ता है। टू व्हीलर के लिए इट्स गोइंग टू बी हेवन बिकॉज थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग भी है बीच बीच में, अदरवाइज इट्स 90-95% जो रोड है ऑल द वे टिल वागेश्वर टेम्पल इज गुड। तो आप यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग करना पड़ेगा बिकॉज रात हो चुकी थी, हमें पता नहीं था कैसे जाना है, तो आई वाज जस्ट गोइंग विथ माई गट फीलिंग कि हो सकता है। एंड फाइनली यप्पी, यू कैन सी द टेम्पल। यस, तो हम गाइज फाइनली पहुँच चुके हैं मंदिर के पास में, तो हमें ये डिसाइड किया कि दर्शन हम रात में नहीं लेंगे बिकॉज Nobody was there, so we decided कि आस पास का जो जगह है उसका थोड़ा बहुत सर्वे करेंगे एंड देन वी विल फाइंड द सूटेबल प्लेस टू पिच इन आवर टेंट। और यहाँ पर हमने सोचा कि टेंट लगाएंगे। आप देख सकते हो मैंने एक छोटा सा टाइम लैप्स वीडियो किया है। अजिंक्य इज रियली एक्साइटेड बिकॉज उसका ये पहला टेंट एक्सपीरियंस है, तो ही इज जंपिंग ऑल अराउंड एंड ट्राइंग टू काइंड ऑफ असेंबल द टेंट। अविनाश इज प्रीटी एक्सपीरियंस इन दिस। मैंने कुछ 8-10 बार मैंने टेंट में आई हैव एक्सपीरियंस विथ स्टेइंग इन टेंट। तो इसके बाद में हमने सोचा कि भाई
लद्दाख का वीडियो देखते देखते हम अपना खाना बनाएंगे। सो एज आप देख रहे हो, अविनाश इज बिजी इन प्रिपेयरिंग फूड एंड अजिंक्य इज एंजॉइंग द व्यू एंड आई एम एज यूजुअल मेकिंग द व्लॉग। और ये हमारा छोटा सा स्टोव है और ये हमारा यूटेंसिल, जो ये नहीं कैरी करेंगे, देर इज अनदर सेट ऑफ यूटेंसिल्स दैट वी आर गोइंग टू कैरी। खैर, तो वी आर प्रिपेयरिंग आवर मैगी विच इज गोइंग टू बी प्रॉबली मेन फूड इन लद्दाख। हाउ इज इट सर? दम बढ़िया। गुड मॉर्निंग गाइस, we are near Vageshwar temple, that's where we came yesterday, and you can see how beautiful. What's the time? It's 6 o'clock, and we camped here yesterday, and that's where our bikes are. So we slept quite late. Khana banaya yahan pe, khana khaya, and that's how the bikes looks like. Top box. My top box. There is another KTM. Not in. And you can see the view. It's amazing. So guys, यहाँ से हम around 10:30, 11 तक हमने pack up किया, then we started going towards the temple. So around 7:30 tak log aana start kar rahe. You can see there were a couple of cars parked and couple of bikes parked, so already log aana shuru kar chuke the. So humne ye socha ki chalo quickly we will take a darshan and then we will head back towards our home. So aage wala jo video hai wo maine रिकॉर्ड किया है इन द लोकल लैंग्वेज ऑफ मराठी, तो जो लोग मराठी समझ सकते हैं तो आई नो दैट यू गाइज विल अंडरस्टैंड, जो नहीं समझ सकते आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। बट अगर आप वागेश्वर टेम्पल पवना लेक गूगल करोगे तो आपको इसका पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। सो ये साल का मेरे ख्याल से 2 या 3 महीना ये जो है टेम्पल अवेलेबल रहता है टू विजिट, बिकॉज अदरवाइज ड्यूरिंग मॉनसून एंड विंटर ये पूरा का पूरा जो टेम्पल है पानी के अंदर रहता है, बिकॉज इट्स जस्ट बिहाइंड पवना लेक, इट्स एट द बैंक ऑफ पवना लेक आई कैन से। तो बारिश की वजह से जब पानी का लेवल बढ़ जाता है तो ये पूरा मंदिर जो है पानी के अंदर रहता है। ये अपने 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 मंदिर आत्मनी एक पिंड है, स्वयं पिंड आत्मनी एक महीना भर मे तिने पाय पाचा तो दूध सोडित होती, मग ती गाय त्यांनी तिथून नेली गावातील लोकांना सांगितलं, बाहेरच्या पंचकृषीतील लोकांना सांगून मग ते इथं उकरलं, तर हे स्वयंभू निघालं। अरे हे हेमंतपंथी मंदिर आहे लॉकिंग मध्ये, हे काय कोणी शिवाजी महाराजांच्या काळातलं जर असत तर त्याचा संदर्भ लागला असता, शिशाचा वाळूचा गुळाचा सिमेंटचा असा काय संदर्भ लागत नाही, याची पडझड झालेली आहे थोडी। त्याचा जीर्ण उद्धार 1994 वर केलेला आहे, 42 फुटाचा कळस आहे। अच्छा, स्वयंभू मूर्ती एक शेष नारायणाची मूर्ती वर नेलेली आहे। अच्छा, आणि काशीवरून लिंग आणलेले जीर्ण उद्धार तिथे केलेला आहे। त्याचा पंच धातूचा घंटा 200 किलोचा आहे। अच्छा, 200 किलोचा आहे। 200 किलोचा आहे। With this note, I must say, इस कैंपिंग से हमें बहुत सारा चीज़ सीखने के लिए मिला है,
other than excitement and the, you know, enjoyment, most importantly, बहुत सारी गलतियाँ हमने की है जो हमें सीखने के लिए मिला है. तो वी थरोली एंजॉयड दिस डे एंड प्लेस वॉज सो ब्यूटिफुल एंड कैंपिंग इट्सेल्फ, आई मीन इट्स इट्स लाइक वन थिंग दैट एवरी वन शुड डू इन देयर लाइफ टाइम. सो इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस. आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो. इफ यू डिड, please hit that like button and show some support by subscribing my channel and hit that bell notification so that you will get a new video notification whenever I upload. So stay tuned guys and see you in next vlog. Take care, bye bye, love you all.